अभ्यर्थियों के लिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच कल गिरफ्तार आरोपियों में पूछताछ से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आप देख सकते हो रीट पेपर लीक मामले में 5 करोड़ रुपए में पेपर खरीदकर 45 करोड़ रुपए में बेचने की थी तैयारी। 300 अभ्यर्थी को 15-15 लाख रुपए में देना होते हुआ था, एन वक्त पर 5 से 15 लाख रुपए में आरोपियों ने बेचा पेपर। तो दोस्तों देख सकते हो कि आप जो ये आरोपी पकड़े गए हैं उसमें लगातार डेली नए नए रीट पेपर लीक मामले में जो बोर्ड कार्यालय में से भी तार जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार हुई गैंग में पहली बार परीक्षा से पहले सीधे 5 करोड़ रुपये की परीक्षा से पहले पेपर खरीदा था और इससे पहले बाकायदा पूर्व में परीक्षा से जो पेपर लेने वाले कुख्यात को रीट पर्चा नहीं देने के एवज में लगभग 2 करोड़ रुपये देना भी तय किया गया था। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक रीट पर्चा लीक मामले में मुख्य आरोपियों में रामकृष्ण मीणा, भजनलाल विश्नोई, उदाराम विश्नोई ने बड़ा खुलासा किया है। 5 करोड़ में पेपर खरीद कर रीट का पेपर बाहर निकालना तय हुआ था और उस पेपर को 280 से 300 अभ्यर्थियों को 15-15 लाख रुपये में बेचना तय हुआ था। 800 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 800 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 से 15 लाख रुपये में भी रीट पेपर बेचा गया है। अनुसंधान अधिकारी इन सब की पुष्टि करने के लिए जांच कर रहे हैं। प्रदीप पारसा से 4 फरवरी रिमांड पर भेजा गया है। जारोली की भूमिका की भी है जांच। SOG रीट परीक्षा में जयपुर जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पारस को गिरफ्तार कर प्रकरण में परीक्षा से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं और DP जारोल की भूमिका पर जांच हो रही है। DP जारोली का ML लाठर का कहना है कि DGP की पेपर के संबंध में लेन देन करने की जानकारी भी सामने आई है। मामले की पूरी जानकारी SOG स्पष्ट करेगी। इधर किरोड़ी लाल के सूत्र कहाँ तक जुड़े ग्रह, ये और पूछा कैबिनेट मंत्री गर्ग ने भी कहा है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा रीट पेपर लीक का विरोध, CBI जांच की मांग लगातार राजस्थान में जगह जगह पर। जयपुर रीट पेपर लीक प्रकरण में कई जो प्रतिनिधि मंडल है, राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने भी कहा है कि इसकी जांच CBI को सौंपी जाए और बोर्ड अध्यक्ष दारोली और अन्य जिम्मेदार अधिकारी को, कर्मचारी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ, मिलता हूँ बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।